उसी ज्वाइन सर, टेस्ट के बारे में एक बात कहनी थी बोलो। यस सर। ये जो आपने बोलो। हम सर, मुझे खुद के आंसर्स भी नहीं दिख रहे, सो आई डोंट नो कि मैंने गलत। व्हाट इज वेव? एनीबॉडी कैन डिफाइन वेव? व्हाट इज अ वेव? वो होती है वेव इज डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, राइट? अ पीरियोडिक डिस्टरबेंस, अ मोर प्रिसाइज वर्ड इज अ पीरियोडिक डिस्टरबेंस विच प्रोपोगेट एनर्जी। कोई भी ऐसा पीरियोडिक डिस्टरबेंस जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं और कर पाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव। अ पीरियोडिक डिस्टरबेंस विच प्रोपोगेट एनर्जी, वो मीडियम का डिस्टरबेंस है तो मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। राइट, एनर्जी और मोमेंटम भी करती है वैसे, बट ठीक है मोमेंटम भी नहीं। सो टाइप्स ऑफ वेव, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। सो देर आर टू टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव, द वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय, द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय, द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट, इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव ऑफ मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट लाइन से लिखना, फॉर अ मीडियम टू हैव वेव इट मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिस्टर्ब करे तो कुछ डिफॉर्मेशन होगा, द डिफॉर्मेशन विल स्टोर एनर्जी। बेटा बुक में नहीं है, बंद कर दो, इधर दिमाग लगाओ, बुक घर में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी टाइम एक्सरसाइज करेंगे, देन आई विल आस्क यू टू ओपन द बुक। ये उसमें नहीं है इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि पुराना, ये थोड़ा कुछ हिस्ट्री कनेक्टेड।
from the Bluetooth. Okay, so inertia क्या होता है, कौन बताएगा? What is inertia, Mr. Shrey? Sir, inertia is the. Shrey, what is inertia? Yeah. Inertia is. Slow motion inertia. नहीं नहीं, लोगों को inertia बता दिया तुमने. What is inertia, Desh? Sir, inertia is the state of motion. When a body is in motion, it is called inertia. Inertia is the state of motion. Cha, kuch bhi. Samajh mein aa raha hai. Yes, sir. Yes, sir. Pass me. Ek ek minute, beta. Ha. Yes, sir. Just see, bata. What is inertia? Sir, in music, of course, it says that when a body is. मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं पूछा. I asked, what is inertia? Body moves, right? जब तक उस पे कोई external force नहीं लगेगा, तब तक वो अलग direction में जाएगी या फिर कुछ. That is called inertia. That is called inertia. Inertia is the property to oppose any kind of change. सुबह सो के उठते नहीं, अलार्म बजता रहता, that is your inertia. That's inertia. सुबह अलार्म बजता रहता है. हमारे इधर बहुत सारा inertia है. Yes. This is one example. ऐसे बहुत सारे inertia होते हैं. Homework करना है, करते नहीं हैं, पढ़े रहते हैं. That's also inertia. It's because of inertia, right? So inertia is the resistance to change. बदलना नहीं है, हम जैसे हैं बहुत सही हैं. Inertia is when it tries to oppose the change. उसके अंदर, जैसे for example, this is a rod or some string. हमने पकड़ के इसको मूव किया, जर्क, इसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, यहाँ की एनर्जी, आगे वाला अपोज कर रहा है, तुम ऊपर मत जाओ, इज ट्राइंग टू गो अप बिकॉज ऑफ द वेव. सर ऑन म्यूट. राइट, इनर्शिया क्यों चाहिए किसी भी वेव के लिए? हमने डिस्टरबेंस किया, डिस्टरबेंस करके यहाँ एनर्जी दी, वो एनर्जी आगे कैसे ट्रांसमिट हो रही है? हमने तो सिर्फ यहाँ पे पकड़ा था, दिस इज अ स्ट्रिंग, ओनली वन एंड इज गिवन अ जर्क और एनर्जी. हाउ इट गोज टू द अदर पार्ट ऑफ द मीडियम बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बगल वाला चेंज नहीं होना चाहता है, वही तो बता रहा हूँ, वो रोक रहा है तभी उसको मेहनत करनी पड़ रही है और वो अपनी एनर्जी बाहर आ जाता है, ट्रांसफर हो जाती है. इलास्टिसिटी मींस वी गिव सम डिस्टरबेंस, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, उसमें एनर्जी आ गई, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं. नहीं, हमने डिस्टर्ब किया तो यहाँ पे एनर्जी क्यों स्टोर हो गई? बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी. वी गिव सम रिफ्लेक्शन, स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, वैसे यहाँ की मीडियम स्ट्रेच हो गए. ये तो समझ ही आ रहा होगा ना कि ये जो लेंथ है वो सीधे वाले से बड़ी होगी. स्ट्रिंग वॉज स्ट्रेट एंड व्हेन इट बिकम लाइक अ वेव, length बढ़ गई है. Stretch, stretch means like a spring is stretching. It has now the more energy stored. वो आगे transfer कैसे होती है? Because of inertia. आगे वाला medium जैसे connected है, particle वो रोक रहा है, तुम ऊपर मत जाओ. वो खुद उसके लिए आगे से energy लेगा, इसकी energy धीरे धीरे आगे वाले पर transfer होगी. फिर ये आगे move करेगा, वो उसके आगे transfer होगी, and so on. So in any medium, the molecules which are connected together will be having faster transfer of wave. राइट, अभी लिखेंगे सारा, समझ लो पहले. हाँ, डायग्राम बना लो. ओके, मैकेनिकल वेव में कोई मीडियम होना चाहिए, मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि जो डिस्टर्बेंस हमने किया है उस डिस्टर्बेंस से एनर्जी आए और वो एनर्जी आगे प्रोपोगेट करने के लिए वी रिक्वायर इनर्शिया. विदाउट इनर्शिया वो अपने बस के पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट होता रहेगा, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर. राइट,
two properties required for a medium. If example, sound wave is an example of mechanical wave. Oscillating string is an example of mechanical wave. Water ripples is an example of mechanical wave, etc. This will be a medium. That medium will be used for propagation of wave. बहुत ही सस्ती किताब है ये. काफी चीजें गलत लिख रखी हैं. गलत मतलब not presented in a way. Margin to what you feel. Abo always cutting, I agree. Living sizes, na? Living sizes so cheap. So numerical hi nahi hai. Kuch hai hi nahi. Sir, living sizes mein wo acche se dheere dheere. Nahi matlab kya gadbad hai? Choti choti gadbad hai. Jaise mechanical wave is of two types likha hai. So what is it? Aap ki. Wo bhi aayegi matter mein. Aap hai na? Ha, bilkul. Wo bhi aayegi future mein abhi. Sare bachche aapki kitab. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, sir. ठीक है बेटा. Come back. Don't waste time. Mechanical wave के लिए mechanical wave, this is one classification. गलत क्या लिखा हुआ? Mechanical wave is of two types. Transverse wave and electromagnetic wave, which is wrong. Transverse and longitudinal. Type of wave में पहला mechanical wave and second डालना heading electro. Electro तो बड़े हो गए ना? नहीं हुए. थोड़ा और बड़े होगा तो एक और वेव आ जाएगी. मैटर वेव. मैटर वेव इज अ थर्ड टाइप ऑफ वेव. अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था. मैटर वेव सुना किसी ने? अगस्त, मैटर वेव? नो सर, नहीं सुना. नहीं सुना. अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे तो क्या होगा? क्या बुझाएंगे? कैंसर. अगर हम या कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चले तो क्या होगा? हमारा गायब हो जाएगा. सर वो हो ही नहीं सकता क्योंकि the amount of energy would require would be infinite. नहीं, ऐसा नहीं है. इनफिनिट नहीं. बहुत सारे पार्टिकल चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट छोड़ दो. स्पीड ऑफ लाइट से आसपास भी चलते हैं अगर तो भी. होल्ड. एवरी मैटर, चाहे वो ये पेन हो चाहे हमें, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास यानी हाई स्पीड पर चलना स्टार्ट करता है तो वो वेव में कन्वर्ट हो जाता है. दैट बिहेवियर बिकम्स लाइक अ वेव. ये दिस इज नॉट द ओनली वेव. मैकेनिकल वेव, साउंड वेव हम आप बात कर रहे हैं बिकॉज मैकेनिकल वेव मैंने बोला यहाँ पे एयर ऑसिलेट होते जा रही है अब तक. मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सनलाइट, लाइट आ रही है स्पेस वेव वैक्यूम के थ्रू सन के अंदर. बहुत सारे इसमें मीडियम चाहिए. मीडियम में इलास्टिसिटी इनर्शिया चाहिए. दैट इज अ मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम ही नहीं चाहिए. आराम से वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, राइट. मैटर वेव से समझ में आया कि सिलेबस में नहीं है? मैटर वेव मतलब किसी भी चीज को अगर हम बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं वो पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो जाता है. बिल्कुल होता है यार. एलईडी होता है कि बकवास थोड़ी करते हैं. इसमें हम कुछ भी एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुना है? उसमें जो इलेक्ट्रॉन की वेव यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को मैटर वेव में चेंज करके फिर यूज करते हैं. इलेक्ट्रॉन इज एट वेरी हाई स्पीड. इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड. इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रॉन वेव. हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी जो भगवान लोग कहीं से प्रकट हो जाते थे दैट्स मैटर वेव. Convert into matter wave and this is not the only wave. There are many type of waves. वो गायब हो गया. दिखाई ही नहीं. यहाँ पे फिर से scatter वापस. When you slow down, again it come back to the same original matter. Right?
That's called wave particle duality. हाँ वो डिस्टर्बेंस बन जाता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपगेट होता है. अभी इसको हटा देते हैं, अभी हमारे मतलब का ये नहीं था. बहुत सारी होती है, मेन क्लासिफिकेशन थ्री है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर, मैकेनिकल. पता नहीं, अभी वापस आ जाओ, इसमें लॉजिक है, पढ़ लो, टाइम पास मत करो, ठीक है. मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम हो, मीडियम की थ्रू हम वेव प्रोड्यूस करते हैं, मीडियम को डिस्टर्बेंस किया, मीडियम आगे वेव प्रोपगेट करता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें मीडियम नहीं चाहिए, अगर है तो भी चलेगा. मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि हम लाइट को वाटर के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते. अगर मीडियम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मीडियम की जरूरत नहीं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखना डेफिनेशन नहीं, ऑब्वियसली सोनार क्या है, कोई बात नहीं, अभी आएगा, इसी चैप्टर में आगे आएगा, लिखते जाओ पहले. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the waves which are produced by by accelerating charged particle and by oscillating charged particle and it propagate by the periodic variation of electric and magnetic field. By periodic vibration of electric and magnetic field. Electric and magnetic field in two mutual perpendicular direction is electromagnetic wave. अब wave की definition थी, कोई periodic disturbance होना चाहिए. Mechanical wave में कौन हो रहा है, पार्टिकल खुद, जो भी है स्ट्रिंग का पार्टिकल है वो ऑसिलेट हो रहा है, अभी ऊपर गया था फिर नीचे भी आएगा. दिस इज द मैकेनिकल वेव. इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा कोई पार्टिकल दिखता नहीं है लाइट में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के पास जाओगे बिना टच के उसका फोर्स फील होगा, दस इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली मैग्नेट के पास जाओगे, मैग्नेट बिना टच किए हुए दूर से आयरन या किसी भी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल कर लेता है, दैट इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट. एवरी चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही चेंज हो रही है जैसे यहाँ पर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे. सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग लाइक द सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन. यहाँ कोई पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, फिर अपोजिट हो गई, फिर कम हो गई. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन रिवर्सेस द डायरेक्शन. जैसे यहाँ पे मीडियम का पार्टिकल, रस्सी का पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां कुछ है ही नहीं वैक्यूम में. वैक्यूम में तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है ना. कहीं पर चार्ज पार्टिकल था सन के अंदर, वो ऑसिलेट हुआ, उसने प्रोड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जा रही है विदाउट एनी मीडियम. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पार्टिकल यहाँ नहीं, पार्टिकल कहीं आया सन के अंदर, सनलाइट की बात करें, वहां पे वो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, उसकी वजह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो ऑसिलेट करते करते आगे जा रही है. लाइक इट इज ऑसिलेटिंग एंड प्रोपगेटिंग फर्दर, मतलब ये एक्स में ये वाई दोनों एक साथ. ऐसा कुछ नहीं है, सेम इंटेंसिटी ऊपर सेम इंटेंसिटी नीचे. दिस इज सपोज वाई डायरेक्शन, इसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी जो कि जेड डायरेक्शन में. अगर ये वाई में मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होती रहती है, ये बाहर की तरफ आ रहा है जेड प्लेन में. डायग्राम देखा है पहले कभी? नहीं, कोई बात, पहली बार बहुत कुछ होता है, सो इट्स ओके. दिस इज द जेड डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन, दिस इज द एक्स डायरेक्शन. इधर इलेक्ट्रिक वेव प्रोपगेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन. दोनों एक साथ ऑसिलेट होते रहते हैं और
ये बनाता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, दोनों एक साथ ऑसिलेट हो रहे हैं और ऑसिलेट होते होते आगे चलते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज की वजह से चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज चार्ज इज एक्सेलरेटेड। अभी हमें साउंड पढ़ना है तो इसको ज्यादा भाव नहीं देते, कम बैक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिर्फ प्रॉपर्टी क्या लिखनी है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। धक्का मार तो रहे हैं मैकेनिकल वेव में, पानी है, पानी है, पत्थर मारा आपने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे जैसे कुछ भी समझ लो, वायर ही समझ लो, दिस वायर, अगर हम इस वायर में एसी पास करें ना, अल्टरनेटिंग करंट, एसी आ रही है इसमें, एसी वो नहीं अल्टरनेटिंग करंट वाले एसी, दो तरह की करंट होती है, डीसी जो बैटरी प्रोवाइड करती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है ऑलवेज, और जो घर में आती है जो जनरेटर से बनती है वो एसी होती है। डीसी से बैटरी से करंट लगा कभी किसी को, बैटरी का करंट लगा है किसी को, बैटरी का तो नहीं सर, बट नॉर्मल करंट जरूर लगा। हाँ, बैटरी के करंट में और जो नॉर्मल ये वायर करंट में डिफरेंस क्या होता है, बैटरी के करंट एक बार लग गया तो चिपक जाता है, अपना हाथ खींच नहीं सकते वापस, रिट्रैक्ट्स। एंड द एसी जैसे टच हो गए वैसे यू विल फील रिपल्शन। नहीं नहीं नहीं, होल्ड 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 होल्ड, मैं सिर्फ वेरिएशन बता रहा हूँ। एसी जो करंट होती है वो ऊपर नीचे, मतलब जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे ऊपर डायरेक्शन चेंज कर देती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बीच में जीरो होती है, जैसे जीरो हो रहा है बीच में। एसी का जब शॉक लगता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे एक तरफ लग रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, फिर वो तुरंत रिपेल करेगा, फिर अट्रैक्ट कर रिपेल, फिर अट्रैक्ट कर रिपेल, सो यू हैव अ चांस टू लिफ्ट योर हैंड, राइट। सो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रही है, पहले प्लस 10 फिर माइनस 10 फिर प्लस 10 फिर माइनस 10, पहले ऊपर जा रही थी फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दूर एक चार्ज पार्टिकल खुद ऑसिलेट हो रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब वो सिर्फ एनालॉजी थी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि करंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डोंट बी सेलेक्टिव लिसनर, वो एग्जांपल समझाया मैंने कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जैसे करंट है, करंट में दिखता थोड़ी कुछ चेंज हो रही है, मैं तो वायर में करंट आ रही है इन दिस करंट थोड़ी आपको दिख रहा है, करंट इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई, तो हमें तार दिख रहा है, मतलब खोल के भी देखोगे तार को, छील के भी देखोगे अंदर तो भी आपको नहीं दिखेगा कि कुछ चेंज हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज चेंजिंग, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग, लेकिन जो डीसी होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है, वन सिंगल डायरेक्शन, इसलिए वहां पे शॉक लगता है, वो ऐसी वाली वेव नहीं है, वो ऐसे वाली वेव है, वो वेव ही नहीं है। ओके चलो कम बैक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसमें ये कैसे प्रोपगेट होती है कि वो थोड़ा हाई लेवल की चीज है, बट एक लाइन में समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे वाले को वेव किसने पहुंचाई, व्हाट हैज ट्रांसफर्ड द एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पार्टिकल, आगे वाला पार्टिकल जो कनेक्टेड था दोनों, राइट, इनर्शिया की वजह से। इसमें कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं, मीडियम की जरूरत नहीं है, समझ गए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की उस चार्ज पार्टिकल ने, उस चार्ज पार्टिकल ने जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की वो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता जाएगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते करते आगे बढ़ते रहते हैं, मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, समझ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल तो वहां था कहीं सोर्स पे सन के अंदर, इसमें क्या ऑसिलेट हो रहा, लिखा हुआ है पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है पॉजिटिव टू निगेटिव। इन द मैकेनिकल वेव इट इज द एक्चुअल मीडियम पार्टिकल जो ऊपर नीचे हो रहा है, पानी में पत्थर मारोगे पानी ऊपर नीचे होता है। मैकेनिकल वेव इज
मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स अ मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम से प्रोपगेट हो सकती है, होती है, अगर मीडियम है तो भी केवल उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी स्पीड की, राइट, लाइट वाटर के अंदर भी जाती है। ओके, तीसरी मैटर वेव अभी अपने मतलब की नहीं है, सो लीव इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स एनर्जी, सिमिलरली मैकेनिकल वेव ट्रांसफर एनर्जी, कोई भी वेव है जो हमेशा एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, दैट इज द मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कुछ बचपन में थोड़े वर्ड पढ़े थे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, बताइए ना, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी होती है, यस, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जरिए लाइट तो होगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट, तो ज्यादा ब्राइट लाइट है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यस, उसमें जो ई की मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा होगी। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये पहला क्लासिफिकेशन था मीडियम के बिहाफ पे, इफ मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम खुद ऑसिलेट हो रहा है या नहीं। सेकेंड क्लासिफिकेशन, फिर नेक्स्ट चलना टाइप्स ऑफ वेव, अनदर हेडिंग टाइप्स ऑफ वेव, पहला जो था टाइप्स ऑफ वेव दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, सेकेंड इज टाइप्स ऑफ वेव, उसमें फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव एंड वो खत्म हो गया, ये है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल, हाँ तो नाइन ने तो बहुत कुछ कर लिया था, ऑसिलेशन ऑफ नवंबर के टेस्ट तक हम ऑलमोस्ट पूरी बुक खत्म कर लेंगे, तुम ठंड रखो, 5-6 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, अभी किसी भी मीडियम अगर मैकेनिकल वेव ले रहे हैं तो उसमें क्या ऑसिलेट हो रहा है, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एग्जांपल लेते हैं थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, स्ट्रिंग ऑसिलेट किधर हो रही है, ऊपर नीचे, गिटार, गिटार, और एनर्जी वेव किधर जा रही है, इन विच डायरेक्शन वेव प्रोपगेट, हमने यहाँ पे कुछ ऑसिलेट किया, डिस्टर्ब किया, और वो दूसरे एंड तक भी उसका डिस्टर्बेंस, उसकी एनर्जी फील हो जाएगी, करेक्ट। तो वेव यानी एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है एक्स डायरेक्शन में, और इस मीडियम का जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है वो हो रहा है वाई डायरेक्शन। ये स्ट्रिंग किधर जा रही है, ऊपर नीचे ना, ये तो स्ट्रिंग है, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जाएगी, ये तो रस्सी है ना, पोजिशन सभी में होती है, कोई भी वेव होगी, मीडियम है या नहीं है, मीडियम के से प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही, दैट डिसाइड whether it is mechanical or electromagnetic wave। यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ मीडियम, मीडियम ऑसिलेट हो रहा है तो मैकेनिकल वेव। सो व्हेन मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, डेफिनेशन लिखो, व्हेन मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, when medium particle oscillate perpendicular to the direction of wave it is defined as transverse wave, if the medium particle oscillate perpendicular to the direction of wave propagation it is called transverse wave, it propagates in the form of डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जयेश क्या बोलते थे इसको, देयर इज सम स्पेसिफिक नेम फॉर द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव, एम्पलीट्यूड सर, एम्पलीट्यूड इज पूरी लेंथ को बोलते हैं, दिस स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, तो ये वैल्यू है सबके लिए सेम है, किसी एक टाइम पर वेव दिखोगे, पॉजिटिव फ्रंट क्रेस्ट एंड ट्रॉट,
It propagates. Yes. फिर भी आप ऐसा नहीं करते, इसीलिए मुझे बढ़ाना पड़ रहा है. The whole ninth and tenth are connected. हर चैप्टर में फोर्थ आधा उसमें था आधा इसमें. थोड़ी देर के बाद ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर. अभी अभी इसी टाइम पे तो सपोज किसी इंस्टेंट पे ये पर्टिकल ऊपर है, रस्सी तो एक ही है ना, दो से एक साथ थोड़ी होगी. ये ऊपर फिर नीचे आ जाएगा थोड़ी देर के बाद. ये अलग अलग पोजीशन है, पहले ऊपर गया फिर नीचे, इन दोनों के बीच में होते रहेंगे. उसमें जस्ट लाइक अ बाउंड्री ऑफ द पार्टिकल. यस, इसके डायग्राम डायग्राम होते ही नहीं है, कहाँ डायग्राम होते हैं, डायग्राम है कोई? यस, कुछ लिख रहे थे, क्या लिखा? इट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस एंड ट्रव्स, लिखना है ये. इट प्रोपगेट्स, स्टेटमेंट लिख रहा था ना बीच में, कहीं रह गया था. इट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस एंड ट्रव्स. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस और ट्रव्स इज कॉल्ड वेवलेंथ. Distance between two, the distance between two consecutive crests and troughs is called wavelength. नहीं मुझे पता क्या यार, फिर कैसे भूल गया. Between two consecutive crests and troughs is called wavelength, and wavelength into frequencies. Speed of wave, wavelength into frequencies, speed of that wave. Lambda is wavelength. दो crust या दो trough या किसी भी दो same type के particles के बीच में, the distance is defined as wavelength. Wavelength is one of the characteristic जिससे हम उसको identify कर पाएंगे कि वो कौन सी वाली wave. लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ. ओके, मैकेनिकल वेव भी ट्रांसवर्स हो सकती है और भी स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव. राइट, ओके. अब ये ट्रांसवर्स वेव है, ये कोई भी टाइप की हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग, ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग. ऑब्वियसली वेव बनाया तो वो तो होगी होगी ट्रांसवर्स. स्ट्रिंग पार्टिकल ऊपर जा रहा है और वेव, हमने यहाँ एनर्जी दी थी वो आगे पहुंच गई. ठीक, तो ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग, दिस इज वन एग्जाम्पल. लाइट और ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन होता है, इसलिए इट इज अनदर ट्रांसवर्स वेव. में लाइट, एक्सरे, यूवी रेज, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओनली. मैकेनिकल वेव भी ट्रांसवर्स हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमेशा ट्रांसवर्स ही होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर. राइट, ओके. नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन था लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑन सम अदर बेसिस. मैकेनिकल एंड electromagnetic wave is on the basis of mechanical wave and transverse wave. बड़ा बड़ा लिख लो, अभी मैंने बोला तुमने सुना नहीं शायद. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए बोला था अभी सस्ती बुक है आपकी, क्योंकि उसमें अलग क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है.
लिखने ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक तो क्या इसके लिखोगे, कभी लिविंग साइंस लिखोगे, कभी वहां लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थोड़ी है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, राइट? जितनी भी दोज वेव्स ना व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग इन, जिनमें ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है मीडियम के, उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लाइट हो, एक्सरे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, राइट? मैकेनिकल वेव में हो सकता है वो ट्रांसवर्स हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल हो, डिपेंड करता है आपने कैसे उसको छेड़ा है स्ट्रिंग को। लाइक स्ट्रिंग को ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते ना, तो ये थोड़े की सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर सकते हैं, तभी तो वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, थोड़ी होगी वो ऐसे 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 करके पहुंच जाएगी। बट व्हेन यू गिव अ परपेंडिकुलर जर्क लाइक दिस, तो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसवर्स। डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ थे, हम उस मीडियम को डिस्प्लेस कुछ नहीं है उसमें भी, हम उसमें भी बस परपेंडिकुलर मार नहीं रहे ना उसमें, तो कुछ उसमें ऊपर खींच रहे, इसमें अपनी तरफ खींच रहे, बस दैट्स द डिफरेंस। इसमें भी ऊपर ही खींच रहे थे, कुछ भी मारा नहीं है इसमें, वेव को बस परपेंडिकुलर किया, इसमें अपनी तरफ खींचा, राइट? तो जब हम किसी मीडियम को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं कि मीडियम के पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें तो ट्रांसवर्स वेव, अगर हम किसी मीडियम को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं कि मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेंगे, देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होती है, सो दैट विल ऑलवेज बी ट्रांसवर्स इन नेचर। वो तो करंट है, वो सिर्फ डायरेक्शन समझाने के लिए था, उसका यहां से कोई लेना नहीं, इसीलिए वो वेव ही नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करते। लॉन्गिट्यूडनल का एक एग्जांपल समझाते हैं अभी, अर्थवर्म देखा है, दिस काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहले पूरी बॉडी को कंप्रेस कर लेता है, फिर आएगा पार्ट छोड़ता है, फिर पीछे से वो तो बनाने वाले से पूछो। हाँ वेरी गुड, गुड इमेजिनेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द वेव्स व्हिच प्रोपगेट, सॉरी, द वेव्स इन व्हिच मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, द वेव्स इन व्हिच मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ the waves in which medium particle oscillate in the direction of wave propagation are called longitudinal. ek chhota sa agar example se samajhna hai ya activity se, suppose there are springs connected in the same path, sir aapne oscillate ki baat kar rahe hain, wave propagation, तो ये स्प्रिंग है, ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए, हमने पहले वाले को पकड़ा, इसको ऑसिलेट किया, थोड़ा स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, पहले ये ऑसिलेट हो रही है, फिर ये इधर पहुंच जाएगा ऑसिलेशन, फिर आगे पहुंच जाएगा, सो दैट ऑसिलेशन ऑफ दिस स्प्रिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। दिस वेव में ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में होते हैं, उनको बोलते हैं साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल। यस, जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो कैसे पहुंच रहा है आप तक? एयर के पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करके आगे जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल। आप बुक के लेवल की बात कर रहे हो, दो अलग क्लासिफिकेशन है, हम कंपेयर नहीं कर सकते इनको। देखिए, साउंड वेव,
Sound wave is longitudinal, that is one statement, full stop. Another statement, sound is a mechanical wave because it requires. But it's not necessary that all. Yes. It's not necessary. All electromagnetic waves are not longitudinal. But most are longitudinal. All electromagnetic waves are transverse, that is a fixed statement. Sare electromagnetic hai to. बट मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उधर ही तो जा रही है. कहाँ से स्टार्ट हो? T is equal to zero पे, यहाँ पे हमने कुछ छेड़ा है उसको, पहले वाली स्प्रिंग को, ठीक है. बहुत सारी स्प्रिंग है, ये एक सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट दिखाया है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए. पहले वाले स्प्रिंग को पहले हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को ऐसे परपेंडिकुलरली, राइट. नाउ दिस स्प्रिंग इज पुल्ड एंड रिलीज्ड, तो ये स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट हुई, फिर वो आगे वाले के पास भी जाएगा, फिर उधर भी जाएगी. द वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द मीडियम ऑसिलेशन, मीडियम वाइब्रेशन, हेंस इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. हाँ, मतलब यहाँ पे इसको कोई डिस्टर्बेंस किया था और थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच गया. यस, यहाँ पे इसको छेड़ा था डिस्टर्बेंस और वो धीरे 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 आगे यहाँ पे पहुंच गया कुछ टाइम के बाद. ऐसी वेव को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स में करते डिस्टर्बेंस तो ये पार्टिकल को डिस्टर्ब करते ऊपर की तरफ और वेव एनर्जी आगे प्रोपगेट हो. गॉट इट? बहुत गंदी सी एनालॉजी है स्नेक एंड अर्थवर्म. स्नेक कुछ ऐसे चलता है, आगे आगे मूव भी करता रहता है, बॉडी भी काफी रहती है. अर्थवर्म कैसे चलता है? गंदा सा कुछ, मतलब ये तो ऐसे समझाने के लिए पहले ये अपनी बॉडी श्रिंक कर लेता है यहाँ पे लाके सारी कंप्रेस. ऐसे होता है ना, मतलब धीरे धीरे चलता है. अर्थवर्म करता है पहले पूरी श्रिंक, फिर आगे, फिर श्रिंक, फिर आगे. ये थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल टाइप मोशन करता है और ये ट्रांसवर्स. राइट, तो एग्जाम मत लिखाना इसको समझाने के लिए. लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल एटमॉम है, वो समझ ठीक है, टीचर से साइड कर लेगा. लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड वेव. और बहुत सारे, कोई रॉड है इसको सीधे, वो दिस इज अ रॉड, आपने यहां से रॉड को एक हैमर कर दिया. साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन वाटर, साउंड वेव इन सॉलिड, ठीक है. वो कहते हैं एग्जांपल, हाँ ये वही समझा रहा हूँ. ये है एक रॉड, सपोज इसने बोला रॉड इलास्टिक नहीं होती, मेटल रॉड इलास्टिक ही होती है, सबसे ज्यादा इलास्टिक होती है, रबर से ज्यादा इलास्टिक मेटल रॉड होती है. भाई देवी इलास्टिक ही बोल रहा हूँ. स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. ओह, प्लास्टिक का मतलब इधर कुछ स्ट्रेंथ होता है, वो प्लास्टिक होता है. टर्मिनोलॉजी जो हम कॉमनली बोलते हैं वो गलत बोलते हैं. प्लास्टिक मटेरियल आर दोज व्हिच कैन इजीली मोल्डेड इजीली डिफॉर्म्ड. इलास्टिक व्हिच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड इजीली, जिनमें फोर्स लगाने पर वो अपने
प्लास्टिक जो खींचे हैं वो गलत है, दैट टर्मिनोलॉजी इज रॉन्ग, वो हम गलत यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में गड़बड़ है. हार्ड मटेरियल रिजिड है, यस, तभी तो वो अपोज कर रहा है, वरना तो खींचो खींचता चला गया, क्यों उसके पास एनर्जी आएगी. ये क्वेश्चन भी होता है, स्टील इज जो जितना हार्ड वो उतना ज्यादा इलास्टिक. कोई बात नहीं, झटका नहीं है, ये सत्य का ज्ञान है. इंग्लिश का साइंस का कनेक्शन नहीं है, से वो इंग्लिश में ऐसा बोल देते हैं. रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, नो, स्टील इज वेरी हाई इलास्टिसिटी देन द रबर. समझ गए, जितना इलास्टिक मटेरियल होगा उतना ही हार्ड मटेरियल होगा. इसमें भी इलास्टिसिटी है, इसमें भी इलास्टिसिटी है, दोनों में डिफरेंस क्या करें हम, टाइप ऑफ वेव डिफरेंट है. एक में ऐसे इसको हैंडल कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. इधर तो फिक्स है, इट विल बी ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन. ये कौन सी वेव है, मीडियम पार्टिकल ऊपर परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया है. कोई बात नहीं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क देखा है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टर्ब किया है, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगी ना, और एनर्जी आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, ये आगे जा रही है. ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, इसी रॉड को हमने ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि इसमें आपने जिधर डिस्प्लेस किया है, ये जो यहाँ पे ऑसिलेशन जो मीडियम पार्टिकल होंगे वो थोड़ा बहुत थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, वो दिखेगा नहीं, यहाँ पर दिखेगा ऊपर नीचे होने लग गए, इसमें कुछ हल्का फुल्का ऑसिलेशन. वो इलास्टिक नहीं होगी फिर, वो प्लास्टिक रॉड होगी, उस पर तो वैसे भी नहीं बनने वाली है. तो यहाँ जो मॉल रहेगा निकली यहाँ पे एंड पे हल्का सा यहाँ करोगे तो दोनों तरफ से प्रोड्यूस होगी, उसमें कुछ और बहुत बनते वो किसी दूसरे हार्मोनिक में वेव होगी, जैसे गिटार अलग अलग जगह पे करते हैं ना, कुछ पकड़ते कभी यहाँ कभी यहाँ, कुछ वैसे होगा, उसको हार्मोनिक्स बोलते हैं. यस, ऑसिलेशन इज ट्रांसवर्स वेव. साउंड वेव ये दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसी के सारे इसमें साउंड प्रोपोगेट होती है, साउंड प्रोपोगेट फास्टेस्ट इन सॉलिड, साउंड वेव प्रोपगेट कैसे होती है, हम बोलते हैं जैसे यहाँ पे इसको पहले हैमर किया तो पहले ये वाला जैसे वो अर्थ वर्म था, वैसे पहले यहाँ के पार्टिकल कुछ थोड़ा पास पास आ गए, फिर वो आगे, फिर वो आगे, फिर वो आगे, समझे, ऐसे हम बोलते हैं तो हम एयर के पैकेट को कंप्रेस कर देते हैं, बोलना का मतलब कुछ हमने प्रेशर लगा दिया तो फिर आवाज ही नहीं जाएगी, फिर देयर इज नो साउंड वेव. इतना ऑनलाइन में सन्नाटा क्यों है भाई, है तो लोग वैसे दिख रहा है, छह लोग हैं, छह ही थे पहले. कबीर कोई नहीं, अभी सब ऑफलाइन ही आएंगे, सबका वीडियो ऑडियो सीधा ही मिलेगा. कबीर कबीर Your voice is also going This is a normal air packet, same distance pe. Now, was she ho na class mein? Haan sir. Kya samajh aa raha hai? Haan sir. Okay. This is transverse wave. क्योंकि हमने मीडियम को डिस्टर्ब किया है वेव के परपेंडिकुलर, जब वेव को मीडियम के अलोंग पार्टिकल ऑसिलेट होता है देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल. सो अभी एग्जांपल है एयर का, साउंड प्रोपगेशन एयर, ये नॉर्मल सा एयर पैकेट है, व्हेन वी स्पीक
So we exert pressure. कैसे? वो बाहर का प्रोसेस है, पढ़ लेते हो। लंग्स में एयर होती है, वो बाहर निकलती है, रहा फॉर्म से प्रेशर वाइब्रेट होता है। वहां से वाइब्रेट होती है और उसके बाद यहाँ से प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ दैट इस जगह के जो ये एयर पैकेट्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। जहाँ पे आपने बोला है पहले ये नॉर्मल थे, यूजुअल यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड व्हेन यू स्पीक इट बिकम्स वेरी क्लोज। एयर के पैकेट्स, एयर पहले दूर दूर थी, रिलैक्स, नाउ एयर पैकेट्स आर कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय योर साउंड। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, आपने एयर को कंप्रेस कर दिया। फिर ये जब आगे जाएगा, अब यही वेव आगे जा रही है, कोई बात अभी भी आएगी नहीं, भगवान की मालिक है, वो टेस्ट करना है। It's get compressed, फिर वो धीरे धीरे रिलैक्स, फिर कंप्रेस रिलैक्स, लाइक द अर्थवर्म काइंड ऑफ थिंग। तो यही कंप्रेशन आगे पहुंच गया, आपने सिर्फ एक बार शाउट किया या एक छोटी सी वेव प्रोड्यूस की, तो ये धीरे धीरे आएगा खत्म, बोलते ही जा रहे हैं, तो ये आगे जा रहे हैं, पीछे से और भी, पीछे से और भी। डिपेंड किस डायरेक्शन में आप बोल रहे हो, स्पीड कंप्रेशन रेयरफैक्शन, पहले ये कंप्रेस हुई थी फिर रिलैक्स, दिस इज कॉल्ड रेयरफैक्शन, अगेन इट गेट्स कंप्रेस। ये हमने यहाँ पे जो ऑसिलेशन दिया था स्प्रिंग वाले टाइप, ये आगे फिर अगेन स्प्रिंग कंप्रेस, फिर अगेन कंप्रेस, सो दिस इज वेव इज प्रोपगेटिंग एंड मीडियम पार्टिकल आर ऑल्सो ऑसिलेटिंग। वो क्रस्ट और ट्रब एक ऊपर जाता है, इट्स लाइक रिफ्रैक्शन, दूसरा नीचे आता है, इसमें ऊपर नीचे, दैट इज क्रस्ट एंड ट्रब, इसमें कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, एंड वेव प्रोपगेट इन द सेम डायरेक्शन एज द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेशन। समझ आ जाता है, बकवास सुनने में तो बहुत मजा आती है, क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करने में, न्यूमेरिकल करने में अच्छा नहीं लगता है। नहीं एक्चुअल बात नहीं है, कर सकते हैं। जयेश? यस सर। सर क्या हुआ? बोल रहे, आवाज आ रही है? नहीं कुछ नहीं, लोग यहाँ कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सर मैं, मेरा ऑलरेडी पेट दिमाग दोनों खराब है, अब इन लोगों के चक्कर में और मूड नहीं खराब करना। मतलब पेट और दिमाग दोनों खराब है, रिलैक्स। माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, व्हाट इज कॉल्ड वेवलेंथ इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव टू कंसेक्यूटिव थ्रस्ट। जैसे वहां पे क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में था, दैट वाज वेवलेंथ। हियर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। साउंड वेव को प्रेशर वेव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर, जहां पे कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है वहां पे प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम, प्रेशर। सो साउंड वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज pressure wave, or sound wave is also expressed in the form of pressure wave, because as sound propagate the pressure changes in the medium periodically. So pressure wave ke form mein ja rahi hai, humne pressure exert kiya tha, jahan pe compression hai wahan pressure zyada ho jata hai, so zyada tabhi to compress ho rahi hai, fir relax ho gaya to pressure kam, fir pressure zyada, fir pressure kam, so jaise medium ke particle ka एनर्जी तो आगे जा रही है, एनर्जी कहीं दी थोड़ी है, एनर्जी तो अभी भी जो है वो एनर्जी तो दोनों में सेम ही है, दोनों में एनर्जी सेम है, स्प्रिंग को कंप्रेस करो, स्प्रिंग को लॉन्गेट करो, एनर्जी सेम ही आती है, बट लॉन्गेट
नहीं, नॉमिनेशन तो ये थी, ये तो दूर हो गए ना, इनके बीच के जो गैप्स थे वो भी बढ़ गए, तो रिफ्रैक्शन में वो एलोंगेट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, और कंप्रेशन में वो कंप्रेस हो रहा है. साउंड वेव प्रोपेगेट, लिख लो नेक्स्ट लाइन से, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन स्लैश रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू वेवलेंथ. तो जहां बोला वो तो कंप्रेस हो रहा है, पूरा काम खत्म, वो आगे प्रोपगेट हो रहा है ना, क्योंकि आगे भी एयर पार्टिकल है, उसके आगे भी एयर पार्टिकल है, जैसे स्ट्रिंग में था. बिटवीन मी एंड यू देयर इज अ एयर मीडियम, जो एयर पार्टिकल यहाँ पर है वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, अगले वाले को, अगले वाले को, अगले वाले को, एंड दैट्स हाउ. समझने के लिए अच्छा बट गलत है, ऐसा है नहीं, पूरे मीडियम में ही एक साथ एनर्जी डिस्टर्ब प्रोपगेट हो रही है. ये नॉर्मल एयर थी, ये पार्टिकल मूव कर रहा है आगे, हिट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि देयर इज नो कोलिजन, वो उसके साथ अटैच है, इधर से आया तो ये कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस हो गया तो फिर आ गया, जैसे अर्थ वॉर्म टाइप था, हिट थोड़ी कर रहा है कुछ आगे, उसने ही अपनी बॉडी को पहले श्रिंक किया, फिर रिलैक्स किया, फिर श्रिंक किया, फिर रिलैक्स किया, लाइक दैट. ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम साउंड वेव भी बोलते हैं, या longitudinal wave is sound wave only, इसके अलावा और कोई wave longitudinal नहीं होती. Next लिखना, next line से. मैंने पढ़ा था कि compression और refraction में इतना difference होता है, heat का कुछ होता है, density. मत पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा. आधा अधूरा मत पढ़ा करो. हाँ, obviously बात है, जहाँ पे compression है वहाँ पे volume कम हो जाएगा, तो density बढ़ जाएगी. एनर्जी हमने वहीं पे दी, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है, अगर रास्ते में कोई अब्सॉर्बिंग मीडियम नहीं है तो. जितनी कंप्रेशन में हमने ली उतनी रिफ्रैक्शन में लूज करी. हाँ, अज्यूमिंग के आसपास और कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है. लेकिन अगर सपोज रेन हो रही हो या फिर कुछ और डिस्टर्बेंस हो. हाँ बिल्कुल, लैपलास ने बोला था आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम रहता है, कोई बात नहीं, सही बोला उसने, कुछ याद है इसको, बोली मिस्ट्री याद है. नहीं, लैपलास ने बोला था, नहीं न्यूटन ने बोला था पहले, कि जब साउंड प्रोपगेट होती है तो पूरे पे टेम्परेचर सेम रहता है पूरी एयर का, बट दैट वाज रॉन्ग. लैपलास ने करेक्ट किया, इट इज नॉट आइसोथर्मल, इट इज एडियाबेटिक, जब कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनर्जी नहीं टेम्परेचर, और यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर होगा, दैट इज स्मॉल हीट एंड टेम्परेचर इज नॉट सेम. हम पढ़ चुके ना ये चैप्टर को, कैलोरीमेट्री हीट पढ़ चुके भाई, पहले उसमें लिखा था टेबल होनी थी हीट एंड टेम्परेचर, हीट इज नॉट सेम एज टेम्परेचर. ठीक, ये नहीं है कि तुमने वो चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है ना, रिवाइज नहीं किया दोबारा, रिवाइज किया. ओके, हाँ नेक्स्ट लाइन से, एट कंप्रेशन लिख लो, ये जो बकवास करते हैं, एट कंप्रेशन प्रेशर इज इंक्रीजेस, एट कंप्रेशन प्रेशर इंक्रीजेस, समवॉट डेंसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, एंड एट रेयर फ्रैक्शन प्रेशर डिक्रीजेस एंड डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस. मिस्टर कबीर मैथ्स कर रहे हो कि केमिस्ट्री?
कबीर सर फिजिक्स कर रहा हूँ सर आपका नाम यार कर रहे हो ना तुमने बीच में रिस्पॉन्ड नहीं किया दो बार मैंने तुम्हारा नाम लिया हाँ सर सॉरी सर मैं वो बाहर गया था वॉशरूम गया था बाहर गए थे हाँ इसका मतलब कुछ तो लोचा है अगली क्लास से कैमरा ऑन करेंगे और सिस्टम में हम विल मॉनिटर सर इन लोग का फिर से रिमाइंड करोगे कि उनकी आवाज हमको आ रही है बट मैंने इनको बताया है कि इन सबकी भी आवाज आपको आ रही है बट शायद ये उससे वो टेलिंग हिज ओन स्टोरी आई गेस सर स्कूल स्कूल स्टोरी स्कूल में तो करता ओके कम बैक बाद में करेंगे डिस्कस डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव बताओ इतनी सारी बकवास कर ली हमने लाइट वेव इज साउंड की स्पीड तो लाइट की भी करती है एयर में डिफरेंट है वाटर में डिफरेंट है ग्लास में डिफरेंट है स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी लो साउंड वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम क्या हो गया HTML अभी लिखा रहा तब से ही पढ़ रहा है बकवास कर रहे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस साउंड मैकेनिकल है बेटा इतनी देर से समझा रहा हूँ साउंड में वेव होती है एयर होती है एयर को हिलाते हैं वो आगे जाती है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा कनेक्टेड रहो बीच में ब्रेक हो जाता है कनेक्शन ब्रेक हो जाता है ट्रांसवर्स वेव ओके चलो हो गया खत्म आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल बट वेवलेंथ ऑफ साउंड इज quite large as compared to light wave. Light की wavelength कितनी होती है Mr. Shay? Visible light की wavelength का range दो बार पढ़ा चुका हूँ कल भी पढ़ाया उसके पहले ही पढ़ाया और बीच में फिर मुझे याद है अभी भी Shay? Light की wavelength formula नहीं पूछा उसके range पूछी है वायलेट से लेके और रेड तक की कितनी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ सर याद है मेरे को अरे सर मैं यहाँ पे बैठा हुआ विहान ने बोल दिया विहान नहीं बोला श्रेय ने बोला पीछे से देख के बोला बट कोई बात नहीं राइट ठीक है सो साउंड वेव के लिए हम अलग तरह के कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं स्पेसिफिकली साउंड के लिए लाइक पिच फ्रिक्वेंसी लाउडनेस इंटेंसिटी पिच लाइट की नहीं होती पिच साउंड की होती है व्हाट इज पिच नाइंथ का पिच क्रिकेट खेलते हैं वो वाली व्हाट इज द पिच ऑफ साउंड हेश सर हेश यस सर पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड Pitch depends upon the frequency, that's correct. But what is pitch actually?
What is pitch? Sir, how high or low a sound is? Again, come again. Rest. Sir, like how high or low voices? That's intensity. How high or high, low, how low. That's also the loudness. Ah, bolo. That pitch will be in the shrill sound. Sir, pitch can also be how sharp the sound is. High pitch. Pitch of a baby. Sir, how shrill or deep the sound is. Yes, how shrill or how grave the sound is. Kiski kitni bhari awaaz hai, kiski kitni patli awaaz. Shrillness like machar ki awaaz ki pitch sher ki dahad se zyada hoti hai. Theek hai, pitch is shrillness or graveness. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. अच्छा, कुछ नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट है, हमने 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था. 12:48 तक तो आपने कुछ वहीं पे इसी रूम में थे. हम 3 मिनट के बाद यहाँ आने में लेट हुए. सर देखो, मैं नहीं होता तो कितने लेट हो जाते हैं लोग. स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड ऑफ साउंड इन गैस. नाइन्थ का ये स्पीड ऑफ साउंड इन गैस फॉर्मूला. Gamma P by D. D is density. Gamma is something called ratio of. Gamma is a constant called as ratio of specific heat. जो लाप्लास में डाला. न्यूटन के फॉर्मूले में P by D था केवल. Gamma is constant, which is something Cp by Cv, but type of gas पे depend करता है. So it is constant for type of gas. Type मतलब monatomic, diatomic और polyatomic. P is the pressure of the gas and D is the density of the medium. स्पीड ऑफ साउंड एंड गैसेस रूट ऑफ गामा पी बाई डी, और इसी को हम आर और टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज गामा. आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, पी इज द टेम्परेचर, एम इज द मॉलिकुलर मास. पी बाई डी इज आर टी बाई एम. आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर. टी इज द टेम्परेचर ऑफ गैस एंड एम इज द मॉलिकुलर मास. ऑनलाइन वाले लिख रहा है भाई. यस, क्या रहता है? कुछ नहीं. ओके, सो दिस आर इज व्हाट? व्हाट इज आर? टी लिख भी दिया मैंने, क्या है टाइम. टी इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, एम इज द मॉलिक्यूलर मास, आर इज रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है. आर इज कॉल्ड गैस कॉन्स्टेंट. गैस कॉन्स्टेंट में आर नहीं आते. यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट विच इज 8.314. ओके, ये दोनों एक ही फॉर्मूले है, प्रेशर और
डेंसिटी को टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो पी बाई डी बिकम्स आर टी बाई एम, दैट्स इट। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है और क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ये नहीं। जैसे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, गैस लॉ पे चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक कुछ कांस्टेंट रह जाता था बीच में। जैसे न्यूटन के लिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यस समथिंग सिमिलर फॉर गैस एक्सपेरिमेंट, दैट कांस्टेंट केम आउट टू बी 8.314, जिसको आर से डिनोट करते हैं, कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैलकुलेशन करने के लिए एग्जैक्ट एनर्जी चाहिए गैस की कितनी है, अभी तुमने अभी हमें करना नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं। दिस इज 3/2 RT, किसी गैस का टेम्परेचर है सपोज 100 केल्विन, उस गैस के मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, 3/2 R into T। यहां पे जैसे पाई आर होता है, वहां पे पाई आर जो भी समझ लो, इट्स सम कांस्टेंट व्हिच इज रिलेटेड विद द एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। कैपिटल जी था ग्रेविटेशन का कांस्टेंट, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हो गया टाइम, आई हैव सीन, डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्लास से वर्कशीट भी करेंगे ऑफलाइन यहीं पे सामने, जो भी लास्ट के 15 मिनट्स में करते थे, और संडे को टेस्ट भी है, उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। और स्पीड लैब्स पे कुछ लेक्चर्स के वीडियोज भी हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोज, उसको देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। हुआ था इट वॉज गुड और नॉट सर? नॉट गुड, मुझे अभी तक हमने आंसर्स नहीं पता है सर। मैं वो मिल जाएंगे आंसर तुम रोमन, मुझे अपने आंसर नहीं दिख रहा है। नॉट गुड बोले कि आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद दिख जाता है, सके ठीक है। ओके थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।